सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय संविधान दिवस को लेकर पुलिसकर्मियों ने ली शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखने की शपथ ली। इस अवसर पर शनिवार को 71वें भारतीय संविधान दिवस पर जिलाधिकारी के निर्देशन में कैमूर के सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यक्रमों का आयोजन व प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। वहीं सभी थानों में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने शपथ भारतीय संविधान रक्षा की शपथ ली। वहीं शनिवार को नुआव थाना के प्रांगण में थानाध्यक्ष सुनीत कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून के तहत ही हम लोग नौकरी करते हैं। हम सबको बखूबी भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए तथा आम लोगों को भी संवैधानिक नियमों से अवगत कराना हम सबका फर्ज बनता है। उन्होंने पुलिस व आम नागरिकों के बीच संवैधानिक तथ्यों के तहत मधुर संबंध बनाने की बात कही ताकि लोगों में पुलिस प्रशासन पर अटूट आस्था हो सके। उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपील किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीख लें और ईमानदारी पूर्वक काम करें। इस मौके पर उपस्थित ASI हरेंद्र पासवान, बजरंगी सिंह, कविंद्र सिंह ASI, भोला प्रसाद चौरसिया, हरिलाल प्रसाद पुलिसकर्मी और थाना के चौकीदार ने भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर शपथ ली है। भागीदार बनूंगा। सर, किस चीज़ को लेकर आज शपथ लिया जा रहा है? संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है और साथ में ही आज नशा विमुक्ति दिवस का भी आयोजन है, जिसके शुभ अवसर पर साहेब थाना नुआ के सभी पुलिसकर्मी नुआ थाना हम भारत के लोग, भारत के लोग भारत को एक, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और संविधान की शपथ लेते हैं। पीछे हो जाए, पीछे आवाज़।